हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मसाला पापड़ सैलेड। मसाला पापड़ सैलेड एक बहुत ही यूनिक सैलेड है जिसको आप लंच के टाइम किसी भी खाने के साथ एंजॉय कर सकते हैं। इसको बनाना बहुत आसान है। चलिए अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे पापड़। पापड़ को हमें गैस पर भूनना है। मैंने इसको दो टुकड़ों में कर लिया है ताकि हमको इसको गैस पर भूनने में आसानी हो। ये देखिए, इस तरीके से हम इसको लगातार घुमाते हुए पापड़ को सेक लेंगे। हमारा पापड़ सेककर तैयार हो गया है और उसके बाद हमने पापड़ को हाथों से क्रश कर लिया है। इसके बाद हमें चाहिए होगा खीरा, कटा हुआ खीरा। ये मिक्स नमकीन ली है मैंने, आप कोई भी नमकीन ले सकते हैं। इसके अलावा हमें चाहिए कटा हुआ प्याज, कटा हुआ टमाटर, कटा हुआ शिमला मिर्च। चलिए अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ एक बड़े बोल में ऑलरेडी हमने अपने पापड़ को क्रश करके रखा हुआ है, जिसमें हमने पहले खीरा डाला है, अब हमने टमाटर डाला है, अब हम इसमें कटा हुआ प्याज डालेंगे। एक एक करके सारी सामग्री हमें इसमें मिलानी होगी। ये देखिए, नमकीन भी हमने इसमें डाल दिया है। आपके पास जो भी नमकीन हो आप मिक्स कर सकते हैं। कटा हुआ शिमला मिर्च, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। आप ध्यान रखें क्योंकि नमकीन में भी काफ़ी नमक होता है। ये कटी हुई हरी मिर्च हमने डाली है, कुटी हुई काली मिर्च है, नींबू का रस चटपटे फ्लेवर के लिए, चाट मसाला डालेंगे। चाट मसाले से इस सैलेड का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये कटा हुआ हरा धनिया हमने डाला है। बस अब हमारा सैलेड को इसको अब हमें बहुत अच्छे से टॉस करना होगा और हमारा सैलेड बनकर बिल्कुल तैयार है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।